आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा और अहम मैच इतवार को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। पर्थ में होने वाला मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे शुरू होगा। मैच की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड ने पर्थ में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग कोच शॉन टेट की जेरे निगरानी नए गेंद से बॉलिंग की प्रैक्टिस की, जबकि आसिफ अली ने मार्बल की स्लैब रखकर बाउंस खेलने की प्रैक्टिस की। टॉप ऑर्डर बैटर फखर जमान ने भी ट्रेनिंग सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। बाबर आजम ने मार्बल पर बाउंस की प्रैक्टिस की। मोहम्मद रिजवान ने नेट्स पर बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद को प्रैक्टिस कराई। मोहम्मद रिजवान अपने कप्तान को फुटवर्क पर भी मशवरा देते रहे। तरबियती सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने मस्बत बॉडी लैंग्वेज का मुजाहरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अपने इब्तदाई दो मैचेस हारने के बाद पहली कामयाबी के लिए पुर उम्मीद।